तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से यार टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक में पीछे के 3 से 4 ट्रेडिंग डे में काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली, परंतु आज के दिन इस स्टॉक में निचली लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक आज के दिन 3.5% के करीब का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक करंट लेवल पर 121.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला, जहां पर स्टॉक ने नीचे के एक सपोर्ट लेवल बनाया 103 रुपीज, ऊपर स्टॉक ने हाई बना रखा तो 125 रुपीज का। स्टॉक काफी टाइम से इसी प्राइस के एक रेंज जोन में ट्रेड कर रहा था, पर जैसे ही स्टॉक ने 125 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 151 रुपीज का। 151 रुपीज के स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में करेक्शन देखने को मिली, जहां पर स्टॉक का जो पुराना हाई था 125 रुपीज, उस प्राइस को भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया और स्टॉक ने एक नया सपोर्ट लेवल बनाया 116 रुपीज, जहां से आज के दिन स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज के स्टॉक का ओपनिंग 116 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपीज के प्राइस के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल है वो नीचे का 100 रुपीज पर देखने को मिलेगा, जहां से स्टॉक में एक बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिला था। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 116 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए। जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है, स्टॉक भी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक में नॉर्मल दिनों से देखें तो आज के दिन ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक रिकवरी देखने को मिली है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।